हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, चैप्टर 4 सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आज हमारा चैप्टर 4 है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का क्वेश्चन है, आर्थिक योजना। क्वेश्चन सेकंड कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1951 टू 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बी, इट्स मेन फोकस वॉज ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सी, एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 IITs वॉज सेटअप इन द कंट्री। डी, दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%। हिंदी व्यक्ति अच्छे समझाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि में के लिए पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बी, इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। सी, इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। डी, यह योजना सफल रही और उसने 3.6% की विकास दर हासिल करी। करेक्ट आंसर बताना था हमें इसका, चलिए आंसर देखते हैं। यदि आपको आंसर देना था वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। दोस्तों सारे स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 3 कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। ए, इट कंप्राइज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट। बी, रीजनल काउंसिल आर फॉर्म्ड टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटीजीनियस इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी व्यक्ति अच्छा समझाएगा। नीति आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बी, क्षेत्रीय परिषदों का गठन एक राज्य या एक से अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों को और आकस्मिकताओं के समाधान के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर बताना है, चलिए आंसर देखते हैं। सी आंसर है, सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4, सॉरी इसमें हिंदी का नहीं आया, चलिए हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। ए, स्पेशल इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बी, रिसर्च बिंग डेवलप्स इन द हाउस सेक्टर एक्सपर्टीज एज अ डेडिकेटेड थिंक टैंक ऑफ टॉप नॉच डोमेन एक्सपर्ट। इनकरेक्ट आंसर बताना है इसका, चलिए आंसर देखते हैं। डी, सारे स्टेटमेंट ठीक है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। ए, टीम इंडिया विंग कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मिनिस्ट्री सर्व्स एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। बी, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंप्राइज इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। इनकरेक्ट आंसर बताना है, एक बार हिंदी में इतना अच्छा समझाएगा। नीति आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, टीम इंडिया विंग में मेट्रोपॉलिटन शहरों के प्रतिनिधि शामिल हैं और मंत्रालय राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। बी, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में राष्ट्रीय ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री शामिल है। इनकरेक्ट आंसर बताना है हमें, ए स्टेटमेंट ठीक है, सॉरी रॉन्ग है। देखते हैं ए स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग क्यों है। तो इसमें कह रहा था कि जो टीम इंडिया विंग्स कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मिनिस्ट्री सर्व्स एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं होते, सभी स्टेट के होते, इसमें एवरी स्टेट के होते, ठीक है ना, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी बी का स्टेटमेंट ठीक ही था, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स बताने में। ए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग इज टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। बी, टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव्स। करेक्ट आंसर बताना, हिंदी में अच्छा समझाएगा। नीति आयोग के उद्देश्यों के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्रों रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना है। बी, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम रूपरेखा और पहल डिजाइन करना, ये ऑब्जेक्टिव्स है इसके। करेक्ट आंसर बताना है इसका,
चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेवन कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेवन पिलर ऑफ नीति आयोग फॉर इफेक्टिव प्रोग्राम्स। ए, प्रोएक्टिव इन एंटीसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिटीजन नीड्स। बी, पार्टिसिपेटिव बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स। सी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। डी, इनटॉलरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट टेररिज्म। हिंदी में एक तो अच्छा समझाएगा। क्वेश्चन सेवन कहता है, प्रभावी शासन के लिए नीति आयोग के स्तंभों के बारे में कथन पर विचार करें। ए, नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगाने और उन्हें जवाब देने में सक्रिय। बी, नागरिकों द्वारा भागीदारी। सी, युवाओं के लिए अवसर की समानता। डी, आतंकवाद के खिलाफ असहिष्णुता की नीति। करेक्ट आंसर बताता हमें इसका, तो इसका आंसर है बी, ए बी सी ठीक है। डी क्यों गलत है, जो नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है ना, वो उसमें टेररिज्म का कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो उस टेररिज्म के क्षेत्र में कुछ नहीं करता नीति आयोग, ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो, एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे। तो देखिए, आपका जो ये इसमें नीति आयोग भी आ गया, तो मतलब इकोनॉमी में आपका जो पॉलिटी का नीति आयोग, तो वो भी कवर हो गया। तो यदि नीति आयोग का क्वेश्चन आगे कवर होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि नीति आयोग का जो जिक्र है नेक्स्ट चैप्टर में भी हुआ था, तो जहाँ जहाँ नीति आयोग का जिक्र होगा हम क्वेश्चन जरूर डालेंगे। ये नहीं कि एक बार कवर करा दिए तो उस नीति आयोग को वहीं छोड़ देंगे, नहीं, क्वेश्चन अगर बुक, क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, अगर चैप्टर में टॉपिक दे रखा नीति आयोग को, तो नीति आयोग के क्वेश्चन आएंगे दोबारा, ठीक है। तो धन्यवाद। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.